डियर स्टूडेंट्स, आज आई केम टू नो दैट यू हैव ए लॉट्स ऑफ डाउट इन द चैप्टर प्रीवियसली डिस्कस्ड आंसर. सो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल योर डाउट्स विद इन द टू पिक्चर्स. ओके, सो यू बेसिकली हैव टू नो दैट द माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म इन साइड द आंसर एंड द माइक्रोस्पोर्स पोलन फॉर्मेशन and the pollens converted to the germ tube. This process was covered up in your chapter pollen biology. So basically in previous class we discussed about how the anther formed the microspore and how the microspores are developed in different type of procedure. Here we did not say about any type of cycle, because basically the pollination is the process in which anther forms the pollen by the microspore mother cells, and the pollen will be transferred from the stigma, from the anther to stigma. In this process it was a one way path and it was not form any type of cycle. If we study about the whole life cycle of a plant, it was covered up with alternation of generation, and total cycle was total process was a cycle. Plant's life, it was named as the plant life cycle. So let me explain you in your mother tongue, that will be help you to understood the subject. Here these are the microspore mother cells which are present inside the anther. The process of microsporogenesis occurs inside the anther, not inside microspore. Okay, एठी कौन है तुम्हारा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स गुड़ा रहिले से कौन करिबो ना तुम्हारा माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करिबो से माइक्रोस्पोर टा केमिति से फॉर्मेशन करिबो ना से माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन पाई दी प्रकार से डिवीजन नहीं पारिबो. फर्स्ट होची कौन है तुम्हारा ना सक्सेसिव टाइप टा कौन है ना इट वाज साइन इन द मोनोकॉट्स प्लांट. ऑल द मोनोकॉट्स प्लांट रे तुम्हारा सक्सेसिव टाइप टा देखिबा को मिलथाय. आउ गोटे प्रकार से केमिति कर परिबो ना साइमल्टेनियसली टाइप मन रखिबो एटा साइमल्टेनियसली टाइप एटा गोटे साइकिल नुह एटा गोटे वन वे पाथ एटा रिवर्सिबल हो पारिबोनी कोनोसी भी उपाय रे. कारण देखो प्लांट रु गोटे सीड टे गला से आउ गोटे प्लांट फॉर्मेशन कला से प्लांट जदि आउ गोटे सीड होजे से आउ गोटे प्लांट फॉर्मेशन करिबो ना पूर्ण कोन साइकिल होउछि कि नाही. सो दैट ए सक्सेसिव टाइप रे कोन ना तमे जेमिति एटी देखिया बाजू ता वर्ड रो मीनिंग देखो सक्सेसिव simultaneously. Successive means कौन ना से different type of succession नहीं थो तार किसी ना किसी गोटे इम्प्रूवमेंट हो simultaneously कौन ना एका सांगरे मैंने कौन ना से भीतर सेल भीतर किसी इम्प्रूवमेंट हो ना मोर इम्प्रूवमेंट हो ना. सक्सेसिव टाइप रे कौन ना तुम्हारा फास्ट मेयोसिस स्टेज एटा कौन ना फास्ट मेयोसिस स्टेज फास्ट मेयोसिस स्टेज रे कौन ना तुम से गोटे सेल प्लेट फॉर्मेशन करुची. साइटोकाइनेसिस प्रोसेस तुम जानी ना सेल प्लेट फॉर्मेशन हेले कौन ना दुटा सेल डिवाइड हो पार. सेल प्लेट फॉर्मेशन हो कौन ना तुम ये मेयोसिस फास्ट स्टेज मेयोसिस फास्ट स्टेज तुम सक्सेसिव डिविजन में सेल प्लेट फॉर्मेशन हुए ये जिनसा मन रख. मेयोसिस फास्ट स्टेज में सक्सेसिव होता कौन ना तुम मेयोसिस हिसाब से वन न्यूक्लियस विल बी फॉर्म द टू न्यूक्लियस टू न्यूक्लियन कर दुटा न्यूक्लियस होगा सेल प्लेट टा कौन कर पेरिक्लेयर डिविजन होकि टोटाली सेल प्लेट फॉर्मेशन करदेव सेल वाल हो दुटा सेल होगा सेठ कौन हम ना सेकेंड मेयोसिस फेज ये सेकेंड मेयोसिस कौन पुणी आउ थे सी कौन कर सेल डिजन हम सेल डिजन सी कौन कर दुईटा तुम सेल फॉर्मेशन कर सी जो गोटे न्यूक्लियस थी से दुईटा न्यूक्लियस दुईटा सेल फॉर्मेशन करदेव देन इट विल बी फॉर्म द फोर सेल प्रोसीजर. बेसिकली कौन ना तुम माइक्रोस्पोर्टर चार्टा न्यूक्लियस जितेबाला मैच्योर माइक्रोस्पोर हो चार्टा न्यूक्लियस थी चार्टा न्यूक्लियस तुम कौन ना गोटे गोटे न्यूक्लियस सेल गुड़ाक सब गोटे गोटे पोलियन फॉर्मेशन करेंगे लैटर ऑन इन द साइमल्टेनियसली प्रोसेस एज इट व्हाट डिस्क्राइब्स इट वाज साइमल्टेनियसली डेवलप द सेल टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर until this process was it until it it was the microspore
till this it was microspore. Okay, here the cell division, as you seen, cell division टा कौन होगा ना तमरा meiosis one ही होगा सिटी, किंतु ये ठीक कौन ना तमरा cytokinesis process जो cell division होता है, सेटा ना है कि से simultaneously गोटिया nucleus भीतर, गोटिया cytoplasm भीतर है तमरा nucleus रही जीवो, मुझे पहला सिर्फ गोटी साइटोप्लाज्म भीतर न्यूक्लियस रह गले तो जहाँ इच्छा है से न्यूक्लियस टाक डिवाइड कला जहाँ इच्छा है से न्यूक्लियस डिवाइड कला निश्चित से कौन ना यही टाइप तीन टाइप सेल टा भी देखा जाए पार यही सेल टाक आम कौन कहना टेट्राड कहवा यहीटा भी टेट्राड यार बैक साइड रे गोटे सेल सेल भी रही जाए जोटा तुमको देखा जाऊना इन द साइमल्टेनियस प्रोसेस ये द सेल विल बी लुक लाइक दिस and it will be its basic function was it will be not divided into cells in both meiosis 1 and meiosis 2 process kon na meiosis 1 and meiosis 2 process se tamara kon na cell division hoban ki cell plate ta formation karibani only nucleus ta division hobo bujhi parlo okay Here in the process, as you see, it was a cycle-like structure, but it was not the actual cycle. It was the complete transfer of the pollen from anther to stigma. And in this process, the microspore mother cell formed the microspore inside the anther. As you studied the simultaneous process and successive process, these both are occurs in until this phase. First meiosis phase and second meiosis phase, and here your completely microspore was developed, where four spores are attached to each other and forming the tetrad structure. So, आमे एटी कौन देखिवा के पाइबा ना आंथर भीतर जो माइक तो माइक्रोस्पोर सैक गुड़ाक हो भितर कौन थी ना तुम माइक्रोस्पोर मदर सेल थी माइक्रोस्पोर मदर सेल टा कौन थी ना से गोटे न्यूक्लियस थी जो डाइपोल डिप्लोइड न्यूक्लियस थी डिप्लोइड न्यूक्लियस टा कौन मेयोसिस फेज रे कौन फॉर्मेशन करा चाहिए ना यहाँ हूँ तुम डायड फॉर्मेशन करा चाहिए डायड फॉर्मेशन करा चाहिए से कौन कर फास्ट मेयोसिस फेज गला मेयोसिस फेज गला से कौन ना दुईटा न्यूक्लियस तर जो डिप्लोइड न्यूक्लियस थी डिवाइड होकर दुईटा न्यूक्लियस हो ये जब तुम कौन जब सक्सेसिव टाइप होती सेल प्लेट फॉर्मेशन कर सक्सेसिव टाइप ही ना से सेल प्लेट फॉर्मेशन करना जेहेतु ये सक्सेसिव टाइप हो जेहेतु ये सक्सेसिव टाइप देखे सी कौन कर साइमल्टेनियस टाइप करोटा कि आम डाइकोट प्लांट देखा जाए तो सी कौन कला ना ये तो सेल प्लेट फॉर्मेशन कला नहीं सेल प्लेट फॉर्मेशन न करके से हैप्लोइड न्यूक्लियस गुड़ा पुणी सेकेंड मेयोसिस फेज गला से कौन कला ना से टेट्राड फॉर्मेशन करदेला ये चार्टा न्यूक्लियस डिवाइड हो गला सिंगल साइटोप्लाज्म भीतर रहला से तापर कोन कला ना तमर टेट्राड फॉर्मेशन कला बोथ इन सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेस टेट्राड आर फॉर्मड एंड आफ्टर दिस प्रोसेस इट वाज एवरी सिंगल न्यूक्लियस इट विल सेल प्लेट फॉर्मेशन बाय द सेकंड मेयोसिस कैलोस डिवीजन कैलोस डिपोजिशन बिफोर सेकंड मेयोसिस फेज द टैपेटल सेल विल बी हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैलोस and in which helps in the nutrition providing and basic structure providing to the microspore tetrad okay so sethu kon hobo na to microspore tetrad goda kathi bosi kon karibo na gote gote microspore formation karibo emiti kali kete ta tomar microspore formation hobo four microspore formation hobo sethu kon hobo na se microspore tetrad ta seta kon hobo na di type of cell karibo gote hobo vegetative cells aa gote hochi tomar kon na generative cells से कौन बेसिकली स्टेज टू ए टोटल जम ट्यूब पर्यटन जावा प्रोसेस फ्रम दिस स्टेज टू अंटिल द जम ट्यूब फॉर्मेशन प्रोसेस इट वाज कवर्ड अप इन योर चैप्टर पोलन बायोलॉजी व्हिच विल बी डिस्कस्ड लेटर पोलन बायोलॉजी एंड इन दिस प्रोसेस द माइक्रोस्पोर जेनरेटिव सेल्स and vegetative stage are developed by the process of first mitosis process. It will be developed in the first mitosis process and the generative cells are basically form the germ tube and the vegetative cell will basically form the germ tube and generative cell will be either divide into two nucleus by either after the pollen mature or it will be remains a single diploid nucleus and it will be attached to the stigma as the picture show in this process you can see here is the vegetative cells and here is the generative cell and the generative cell may be
may be divided when it was mature pollen into two nucleus and one gen vegetative cells, and here otherwise it will be stay sterile until it was attached to the pistil. Here it was your generative cell, it was vegetative cells. After recapped the pistil stigma part, it will be chemically changes its structure, and some physiological changes will be seen here, and the formation of germ tube occurs. एटी कौन करिबो ना तुम वेजिटेटिव सेलटा डिवाइड हबनि कारण सेटा कौन तुम जर्म ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करिबो किंतु तुम जो जेनेटिव सेल थी सेटा डिप्लॉयड न्यूक्लियस थी डिप्लॉयड न्यूक्लियसटा कौन करिबो ना तुम दुटा सेल को दुटा न्यूक्लियस होकर रहिबो से कौन करिबो ना जर्म सेल रे दुटा न्यूक्लियस होकर रहला एठ गोटे न्यूक्लियस जाकि तुम केमिति अटैच हम वेजिटेटिव सेल तुम जर्म ट्यूबटा फर्मेसन कला से पोलन ट्यूब फर्मेसन करी धीरे 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 बढ़ी कार्पेल पर्यटन जी जो कि तुम फर्टिलइेसन प्रोसेस हम जेनेटिव सेल दुटा न्यूक्लियस को डिवाइड हम गोटे तुम सिनर्जिट मध्यम सिनर्जिट को पास कर एक सेल पर्यटन जीव जो तुम फास्ट जायगोट फर्मेसन हम आउ गोटे जेनेटिव सेल न्यूक्लियसटा कौटी जीव ना तुम सेन्ट्राल न्यूक्लियस को जो तुम कौन ना एंडोस्पोर फर्मेसन हम बुझेगा आ वेजिटेटिव सेलटा तुम कौन ना लास्ट पर्यटन पोलन ट्यूब फर्मेसन हेल्प करतापुर लास्ट जो कार्पेल ठीक आटाच हम जो सीताकोबरेट कर पेनेट्रेट करेटा कौन वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियसटा तुम डिजेनेट हो बुझेगा टोटाल प्रोसेस आई थिंक यू ना डोंट एनी हाव यू हाव नो डाउट्स इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कस पोलन बायोलॉजी इन नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू.